जुगाड़ू अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले दिन आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की बैठक पंचबाबा मिशन स्कूल गिरिडीह में संचिता मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं जंगपुरा गिरिडीह में सुशांति मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा एवं विशेष अतिथि महिला मोर्चा के अध्यक्ष शांति सवैया, सेलिना लकड़ा, सीनी होनहांगा शामिल हुए। केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा ने कहा कि संगठन समाज को एक सूत्र में जोड़ता है। गिरिडीह जिला में आदिवासी मूलवासी समाज का विकास करने के लिए संगठन के सदस्यों को ग्रामीण इलाके में पहुंचना होगा। स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर भी अपनी बातें रखी। आदिवासी जन परिषद की महिला मोर्चा का संयोजक मंडल का गठन हुआ है गिरिडीह जिला में, और हम केंद्रीय अध्यक्ष है आदिवासी जन परिषद का अध्यक्ष का। तो महिला मोर्चा का जितने भी नीति सिद्धांत हैं, इसके सशक्तिकरण को लेकर के आदिवासी महिलाओं के सिद्धांतिक आधार पर आगे बढ़ने के लिए, अभी गांव में हम लोगों ने दौरा किया तो यहां पर ना आधार कार्ड बने, ये मजदूर कार्ड बने हैं, ना ट्राइबल सब प्लान के पैसा जमीन पर गया है। तो सभी मुद्दे को समाधान के लिए हम लोग यहाँ महिला मोर्चा का गठन कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी आदिवासी मूलवासी जन विरोधी ताकत यदि हमारे अधिकार को छीनेगा तो इसको सशक्त बनाते हुए महिला मोर्चा इसका विरोध करेगी। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक करने के लिए, नियुक्त करने के लिए हम लोग आए थे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष शांति सवैया ने कहा कि आदिवासी जन परिषद की नीति सिद्धांत को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। आदिवासी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अच्छा संकेत है। सभी आदिवासी महिलाएं संगठित होकर काम करें, और आने वाले समय में हमारी महिलाओं को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, और इस महिला मंडल के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा पूरे गांव में पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर किस तरह से हमें पूरा काम करना है, इस पर हम लोगों ने एक संयोजक मंडल का गठन किया, जिसमें हम लोग 10 महिलाओं का चुनाव किए। आने वाले समय में हम लोग जिला स्तरीय एक कमेटी का भी गठन करने वाले हैं। बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा गिरिडीह का गठन किया गया। संचिता मरांडी को मुख्य संयोजक बनाया गया। संयोजक मंडल के सदस्य के रूप में सोना डुड्डू, सुशांति मुर्मू, ज्योत्सना मरांडी, मसी सहाय, बीनू मरांडी, सरिता टुड्डू, श्वेता मरांडी बनाई गई। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा के लिए बैठक किए हैं, और इस बैठक को हम सब मिलकर, हर एक महिलाएं मिलकर गांव-गांव जाकर इस संगठन को मजबूत करेंगे और आगे का काम को पूरा करेंगे। गिरिडीह दौरा के दौरान आदिवासी जन परिषद की प्रतिनिधि मंडल ने आदिवासी छात्रावास गिरिडीह का भी दौरा किया। वहां रह रहे छात्रों से मिलकर तमाम स्थितियों की जानकारी ली, उनकी परेशानियों को समझा। वहां एक बैठक की गई। उदय मरांडी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ। छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए धर्म कोड देश के आदिवासियों के लिए अति आवश्यक है। प्रेम शाही मुंडा ने आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की बात कही। उन्होंने आदिवासी समाज के वीर शहीदों की त्याग और बलिदान को याद दिलाया और कहा कि आदिवासी समाज आज इस मोड़ पर खड़ा है जहां से मंजिल तो दिख रहा है लेकिन रास्ते में कई अड़चने हैं। जरूरत है देश के तमाम आदिवासी समाज एक मत, एकजुट होकर अपनी पहचान को जनगणना प्रपत्र में अंकित कर सके। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल आदिवासी बॉयज हॉस्टल में हम लोग आए और यहाँ के छात्रों से मिले और अपनी बातों को रखे कि आदिवासी के सिद्धांत क्या है, आदिवासी कैसे बढ़ेंगे, आदिवासी विरासत कैसे बढ़ेगा,
इस बातों को लेकर चर्चाएं हुई। यहां देखने को मिला कि आने वाला समय में हम आदिवासियों को एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा और अपने जो आदिवासी सिद्धांत है, आदिवासी विरासत को जन जन पहुंचाने की आवश्यकता है। और क्योंकि यहां पर हम देखने को मिलता है कि डाइवर्स प्लान का मामला हो, चाहे अन्य धार्मिक सांस्कृतिक विकास हो, विकास का जो यहाँ पर शून्य है, एक विकास हुआ ही नहीं है। इसी को लेकर के आज हम लोग एक परिचय सत्र के रूप में, एक सेमिनार के रूप में हम लोग आए और अपनी बात को रखें और आने वाला समय में गिरिडीह जिला के जो भी आदिवासी समाज हैं, संथाल समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आदिवासी जन परिषद की महिला मोर्चा की सदस्य भी उपस्थित रही और सभी ने अपनी बातों को रखा। आदिवासी बॉयज हॉस्टल छात्रावास गिरिडीह में आज आदिवासी जन परिषद के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें छात्रों के मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। यहाँ पर करीब 300 बच्चे रहते हैं इस हॉस्टल में, जो कल्याण विभाग के द्वारा से बनाया गया था, और यहाँ पर उनको सिर्फ एक कमरा दिया गया है और वो मेस की सुविधा भी नहीं है, ना ही कॉमन रूम है, ना ही लाइब्रेरी है। तो हम लोग इस यहाँ से हम लोग मुख्यमंत्री को और कल्याण विभाग को हम लोग सूचना देना चाहते हैं कि जो यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं उनको उन सारी मूलभूत सुविधाओं को दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके और अपनी परीक्षा दे करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। मैं अपने आदिवासी समाज की हर विद्यार्थी को, हर इंसान को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज जो व्यवस्था है हमारे अंदर, उस व्यवस्था में हम लोग कहीं संतुष्टि नहीं है। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो एजुकेशन ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम ना समाज के लिए, ना संस्कृति के लिए, ना धर्म के लिए हम कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदिवासी जन परिषद के प्रेम साई मुंडा जी को, साथ में शांति सावैया जी को, जिसने आज हमारे ची हॉस्टल प्रांगण में आए और हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी को हमारे समाज, हमारे संस्कृति, हमारे एजुकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।